नहीं, जनमत उनको नहीं मिला था। हिसाब से आप उनसे बड़ी पार्टी थे, आपका मुख्यमंत्री होना चाहिए था, लेकिन वो है कि कुर्सी से ऐसे चिपके हुए हैं कि कुर्सी का मोह उनको जाता नहीं था। अभी कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री बनने वाले थे, प्रधानमंत्री के रेस में थे, लेकिन उनके सपने को आप लोगों ने चकनाचूर कर दिया। धन्यवाद, तरह का एग्जाम्पल बिहार में सेट किया जा रहा है। बिहार जो कि बजटे पे बोल रहे हैं, इसको बजट से कोरिलेट कर देंगे, आप शांति से बैठे रहिए, हाँ हम बता देंगे, कोरिलेट कर देंगे इसको बजट से। महोदय महोदय महोदय, जिस तरह का पर्याय बनाया जा रहा है, जैसा मैं कह रहा हूं, क्या इस बिहार की जो जनता है, 12 करोड़ लोग हैं जो बिहार के, उनको भेड़ बकरी समझ लिया गया है कि कभी हम यहां हैं तो कभी वहां हैं? क्या बिहार की जनता का कोई मूल नहीं है, जो मतदाता मालिक है हम लोगों के, जिनके वोट पे हम जीत के आते हैं, क्या उनका कोई उनका उनकी कोई रेस्पेक्ट नहीं है हमारे दिलों में? आप इतने बड़े राजनेता हो गए हैं कि उस पूरे उनको तो वो भी नहीं दिया था। इस बार जो चुनाव हुआ, 20 का जो चुनाव हुआ, उसमें तो माननीय मुख्यमंत्री जी को तो जनमत भी नहीं मिला था। नहीं, जनमत उनको नहीं मिला था। हिसाब से आप उनसे बड़ी पार्टी थे, आपका मुख्यमंत्री होना चाहिए था, लेकिन वो है कि कुर्सी से ऐसे चिपके हुए हैं कि कुर्सी का मोह उनको जाता नहीं था। अभी कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री बनने वाले थे, प्रधानमंत्री के रेस में थे, लेकिन उनके सपने को आप लोगों ने चकनाचूर कर दिया। धन्यवाद है आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी को, धन्यवाद है। और आपको मैं उसी पे आ रहा हूँ, आपको बजट पे बोलने के लिए उसी पे आ रहा हूँ महोदय। ये बजट पे तो चर्चा है ही, बजट पे तो चर्चा है ही, लेकिन सामान्य विमर्श का भी इसमें ये रहता है महोदय। बजट में अगर देखा जाए तो बजट का आपने कागजी रूप में बहुत सारी बातों को का उल्लेख किया है, नौकरी के बारे में बोला है, शिक्षा के बारे में बोला है, शिक्षा की क्या स्थिति है। शिक्षा का तो ज्यादातर अगर पैसा देखा जाए, जो बजट का आकार रहता है इस बार करीब 52,000 करोड़ का स्कीम मद और स्थापना मद मिला के दोनों का शिक्षा का आकार है। आप स्कूलों की हालत देख लीजिए महोदय, हमारे क्षेत्रों में किसी के भी, जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, जितने आदरणीय विधायक महोदय यहाँ उपस्थित हैं, आप देख लीजिए स्कूलों का, प्राथमिक विद्यालयों की हालत देख लीजिए, मध्य विद्यालयों की हालत देख लीजिए, हाई स्कूलों की हालत देख लीजिए, बिल्डिंग बने हुए हैं। हाँ नहीं, उस समय भी दिखाई पड़ता था, उस समय भी बोले हैं, ऐसा नहीं है महोदय, आप ही को नहीं नहीं वो बोलने लगते हैं बीच में। नहीं नहीं, कंक्लूड नहीं करना है महोदय, ये जान लेना चाहिए कि जो बजट आपने पेश किया है, वो बजट अगर एक तरह से देखा जाए महोदय, तो ये सुनिश्चित नहीं कर रहा है कि आप किस तरह की विकास की गति, किस तरह की विकास की रेखा खींचना चाहते हैं, क्योंकि आपका नेतृत्व जो व्यक्ति कर रहा है, वो व्यक्ति, उसके पास अब कोई विजन नहीं रह गया है। 7 निश्चय पार्ट 2 की बात कर रहे थे पिछले दिनों, 7 निश्चय पार्ट 2 पर बोल रहे थे कि 7 निश्चय पार्ट 2 मेरा सपना था, मैंने लाया। आप 7 निश्चय पार्ट 1 देख लीजिए महोदय, नल जल उसमें मेंशन था, नल जल की स्थिति देख लीजिए पूरे बिहार में, और कोई ऐसा नहीं, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, कोई बता दे कि नल जल की क्या स्थिति है महोदय, किसके घरों तक पानी जा रहा है, किसके वंचितों को तो आपने एकदम ही छोड़ दिया है, जो समाज के निचले पायदान के लोग हैं, तो उस व्यक्ति को ये, उस व्यक्ति का बजट हो सकता है? मुझे नहीं विश्वास है कि ये बजट आपका है आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी। ये विजन रहित जो व्यक्ति है, जो आपका नेतृत्व कर रहा है, उसका बजट भले हो सकता है, और ये बजट पूरे बिहार की जनता को जिस प्रकार से, वो व्यक्ति नहीं स्वीकार है बिहार की जनता को, उस प्रकार से ये बजट नहीं स्वीकार है बिहार की जनता को, और आगे आने वाले समय में आपको ये पता चलेगा कि एक विजन रहित व्यक्ति के साथ आप हैं। अगर है, जनादेश आपको मिला था, आप अपने दम पर सरकार बनाने की कोशिश करिए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब?
ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।